Welcome back, everybody. Yes. वापस आ चुके हैं. Girl power और है यहाँ पर power ही power है. लेकिन अब बारी आ जाती है कि कुछ और मज़ीद addition करें. और जो हमारी chef वहाँ काफी देर से मेरे ख्याल से बड़ी cute सी हमारा इंतजार कर रही हैं. बड़ी cute सी उनकी एक special बात ये है कि जब वो बात कर रही होती है ना ऐसे लग रहा होता है इन्हें प्यार से बच्चे बात कर रहे हैं. मासूमियत जिसे कहते हैं मासूमियत झलक रही है. तो exactly. मैंने तो, बैठी हुई बात भी करी थी ना तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या टाइम हो रहा है. मैंने कहा टाइम हो रहा है 4 बज गए हैं. बस 5 ही अभी बाकी हैं. ठीक है जी. तो वेलकम करते हैं हमारी क्यूट सी इनोसेंट सी मासूम सी शेफ जो आज हमें बड़े मज़ेदार सी कोई चीज़ बना के खिला रही हैं. वो हम चल के उन्हीं से पूछते हैं क्या है. तो सिद्रा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसी हैं समरा एंड महाम? बिल्कुल ठीक ठाक है. आप कैसी हैं और आपका रोज़ा कैसा जा रहा है? मैं अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ और रोज़ा बहुत अच्छा जा रहा है. लग तो नहीं रहा सिद्रा? अच्छा सिद्रा नहीं लग रहा? नहीं रोज़ा बिल्कुल नहीं लग रहा. ओके अच्छा सिद्रा हमें क्या बना के खिला रही हैं आप? मतलब महाम एंड समरा आज मैं आपके लिए दही बड़े विद ग्रीन सॉस बनाना सिखाऊंगी. वाओ एक और स्पेशलिटी जो इफ्तार में होनी लाजमी होती है वो होते हैं दही बड़े. और अब तो काफी वेरिएशंस आ गए. कभी कैसे दही बड़े बन रहे हैं, कभी दही फुल्कियाँ हो रही हैं, कभी पता नहीं क्या क्या तरह से. यू लाइक दही बड़े? आई लाइक मीठे दही बड़े. नो आई डोंट लाइक मीठे दही बड़े. आई लाइक दैट फ्राइड वन जो दही फुल्कियाँ होती हैं. वो फ्राई करके बनती है. एनीवे जैसे भी है हमें तो टेस्ट अच्छा लगता है. लेट्स आस्क सिद्रा के वो कैसे वाले बना रही हैं. सो जी सिद्रा कैसे वाले बना रही हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके आप हमें बताइए. हाँ अच्छा इसके इंग्रेडिएंट्स हैं. सबसे पहले हम आपको ग्रीन सॉस बनाना सिखाएंगे. इसके इंग्रेडिएंट्स हैं पहले हरा धनिया और इसमें हरी मिर्चें डलेंगी और फिर जीरा और हसबे जायका नमक डलेगा. अच्छा आप पहले ग्रीन सॉस बना रहे हैं? जी. ओके ओके ठीक है सिद्रा बनाना शुरू करो. ओके सबसे पहले हम इसमें हरा धनिया डालेंगे. ठीक है करो हम देख रहे हैं आपको. ओके एक और कॉल आ गई है हमारे पास. अच्छा जी देखते हैं कौन है हमारे साथ. हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कौन बात कर रहे हैं? काजी बात कर रहा हूँ मैं. ओ काजी कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल खैरियत. आज तो मुझे लग रहा है कि आप बड़े खुश हो जाएंगे. काफी अरसे बाद आपकी कॉल मिली है राइट? जी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कॉल मिल गई. जी जी चलें बहुत बहुत अच्छा है. हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है. ये बताइए आपने टॉपिक सुना था आज का? समराबाजी आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है. मेरी आवाज़ आपको बहुत कम आ रही है? तो बहुत चीख चीख के बोल रही हूं. आप अपना माइक पे थोड़ा सफर कर लें और मैं आपको बता कि आज का टॉपिक आपने सुना था काजी? नहीं मैं असल में घर में बहुत ज्यादा काम हो रहा है तो मेरे सब तकरीबन मैं सब पूरी दुनिया से आउट हुआ हूँ अभी. कोई बात नहीं चले हम आपको फोन से ही कनेक्ट कर लेते हैं हमारे साथ. चले मुझे ये बताएं कि आपकी खैर आई एम श्योर आपकी शादी हुई है वैसे? नहीं शादी नहीं हुई है. ठीक है चले मेरा क्वेश्चन ये था कि अक्सर लोगों को शादी से पहले जो है वो अकल आती है या शादी के बाद? शादी से पहले ये तो ज़्यादा मुश्किल सवाल है. वैसे तो मतलब ज़्यादातर लोग अब आ रही है आपको आवाज मेरी? हाँ जी हाँ जी बोलिए. मैं ये कह रहा हूँ ज्यादातर लड़के जो है शादी से पहले जो है मैच्योर नहीं होते. कुछ हो जाते हैं मगर ज्यादातर नहीं होते. शादी के बाद ही वो मैच्योर होते हैं. काजी आपका अपने बारे में क्या ख्याल है? मेरा अपने बारे में क्या ख्याल है मैं तो ज्यादातर अभी बचपना ही है मेरे अंदर. चलिए ये अच्छी बात है. अपने बारे में इंसान को बड़ा कॉन्फिडेंट होना चाहिए. तो उसके लिहाज से आपका जवाब जो मुझे समझ में आया वो ये था कि शादी के बाद ही ज्यादातर लोगों को अकल आती है. तो ठीक है थैंक यू सो मच काजी फॉर योर कॉल. ओके अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. ठीक है वैसे आई थिंक ये सारी चीज़ें क्यों इसलिए आ जाती हैं कि इंसान मेच्योर भी हो जाता है और जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पड़ती हैं सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि जब आपके सर पे जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं तो फिर आपको अकल आने शुरू हो जाती है कि नहीं यार वो चीनी कितने रुपए किलो है और आटा कितने रुपए किलो है, कितना किफायतदार होना है, घर में किस तरह से हर किसी का ख्याल रखके खुश करना है. तो हमें भी थोड़ी थोड़ी अभी से चीजें आ गई हैं. हमें पता है कैसे होता है. नहीं लड़कियां तो होती समझदार हैं तो लड़कियां बचत भी करती हैं. माशाल्लाह लड़कियां बचत करती हैं, किफायत शौहर होती हैं तो इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें लड़कियां करती हैं, पूरा घर चलाती हैं भाई. तो यू गर्ल्स आर स्पेशल ऑब्वियसली. बिल्कुल जी. और
वी ऑल आर सो स्पेशल बिकॉज हम लोग यहाँ पे गर्ल पावर में ही तो इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं और साबित भी करके दिखा देते हैं कि हर चीज़ के अंदर हम ये बात क्यों लेकर आ जाते हैं कि गर्ल पावर है, गर्ल पावर है, मेंशन हर जगह हो ही जाता है. बिल्कुल. और वैसे अगर देखा जाए तो समरा लड़कों को यहाँ पर ये नहीं है कि कम वैल्यू दी जा रही है या हाँ. कुछ इस तरह नहीं, आप लोगों के पास तो माशाल्लाह से है ही इतनी वैल्यू कि आप लोगों को और वैल्यू की ज़रूरत नहीं है. जहाँ तक लड़कियों की बात है, ऑब्वियसली हमारी सोसाइटीज़ और कुछ ऐसे इलाके अभी तक हैं जहाँ पर लड़कियों को इतनी ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती. True. या इतना ज़्यादा उनको आगे पढ़ने नहीं दिया जाता या उनको आगे काम नहीं करने दिया जाता. जस्ट फॉर द सेक ऑफ यू नो अवेयरनेस हम ये चीज़ें करते हैं कि आप उनको भी काम करने दें, उनको भी आगे बढ़ने दें, चाहे वो कुकिंग ही क्यों ना हो. एक छोटा सा काम जो हम अपने घर में करते हैं उसको भी हम अगर एक बड़े लेवल तक लेकर जाएं, आप एक शेफ बने, उसके लिए अलग अलग कुजींस आप बना सकते हैं, तो एक छोटी सी चीज़ को भी आप कितने अच्छे तरीके से चलाए. और बात नहीं आ जाती है रिकग्निशन की कि आदमियों को, मर्दों को, मेलों को बहुत जल्दी रिकग्निशन मिल जाता है. इवन वो छोटा सा काम ही कोई करते हैं तो जी लोग बड़े फ़ख्र से बोलते हैं कि हाँ जी मेरे बेटे ने या जो भी रिलेटिव है उसने ऐसा काम किया. पर जहाँ औरतों की बारी आ जाती है तो वहाँ थोड़ा सा दबा दिया जाता है. पता नहीं लोग क्या समझे. कॉल भी आ गई हमारे पास. अच्छा, ओके, तो कॉल लेते हैं. लेट्स सी हू इज विद अस. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. वालेकुम सलाम. जी कौन बात कर रहे हैं? जी शहजाद बात कर रहा हूँ. जी शहजाद जी, आपने टॉपिक सुना हमारा? जी मैंने सुना है. क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि बंदे को अक्ल शादी के बाद ही आती है. अच्छा, ये जो आपने बोला है तो क्या आपकी शादी हो चुकी है? जी बिल्कुल, इसलिए तो कह रहा हूँ. अच्छा, इसीलिए कह रहे हैं. ओके. अच्छा वैसे ऐसा क्या रीजन था शहजाद जिससे आपको फील हुआ कि आपको अब अकल आई है? राइट. कोई चेंजेस आपने फील किए कि आपकी पर्सनालिटी में आए या आपने कोई चीजों को अपने अंदर अडॉप्ट किया? किस तरह से आपने कहा कि चेंज अब आया है? हाँ, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ जाती है ना. पहले टेंशन नहीं होती, फिक्र नहीं होता घर जाने का, दोस्तों के साथ, कजन के साथ जहाँ मर्जी घूमो फिरो, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं. और फैमिली का ख्याल ज्यादा रहता है. हाँ ऐसा ही होता है ना. नहीं, कहीं ऐसा भी तो होता है शहजाद की आपकी लाइफ बड़ी नॉर्मल चल रही होती है, वो उसी तरह स्मूथ चलती रहती है, आपकी वाइफ भी इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियों का एहसास वो आप पर नहीं पड़ने देती. तो क्या ऐसा भी तो होता है कि उसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको फील होता है कि अब अकेला है हमें? बिल्कुल शहजाद. हेलो. जी मैं सुन रहा. तो आपने सुना कि सोच रहे थे आप इस बारे में? हाँ, शादी की जिम्मेदारियों के अलावा भी चीजें होती हैं क्योंकि आपकी वाइफ बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है, वो चीजों को खुद संभाल लेती हैं. तो उसके अलावा ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिससे आपको फील होता है कि आपको अब अकल आई है? कोई बात नहीं है. ये सवाल हम, यही सारी चीज हम किसी और कॉलर से करेंगे. आई होप अगर जो नेक्स्ट कॉलर है वो भी मैरिड. क्योंकि जिम्मेदारियों का हरगिज जो है ना वो ताल्लुक आपकी अकल से इतना नहीं होता. होता है, डेफिनेटली होता है, लेकिन इतना नहीं होता क्योंकि उसके लिए और बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ रही होती हैं. तो और एक और चीज ये भी हो जाती है ना कि जो व्हाई ओनली शादी, लेट मी कंप्लीट, व्हाई ओनली शादी रे, व्हाई ओनली शादी रे. सही है जी, ये तो सिलसिला चलता रहेगा. मुझे वहां कुछ ऐसा लग रहा है कि हमारे दही बड़े तकरीबन तैयार होने वाले हैं. क्या उसमें मजीद हुआ है? चल के सिद्रा से पूछते हैं. जी सिद्रा, क्या कर रही हैं आप? मैं इसको गार्निश कर रही हूँ. ओके, आपके दही बड़े तैयार हैं, रेडी हो चुके हैं. सिद्रा जल्दी से एक झटपट सा रीकैप दे दें अगर कि आपने क्या क्या ऐड कर दिया उसमें और किस तरह ये रेसिपी बन गई. बिल्कुल. सबसे पहले मैंने ग्रीन सॉस बनाया. मैंने ब्लेंडर में पहले हरा धनिया डाला, उसके बाद मैंने हरी मिर्च डाली, फिर एक टेबल स्पून मैंने उसमें ज़ीरा डाला, नमक हसबे ज़ायका, थोड़ा सा पानी ऐड किया मैंने उसमें ताकि थोड़ा सा पेस्ट बन जाए. फिर मैंने दही को बीट किया, उसके बाद उसमें मिलाया मैंने ग्रीन सॉस, फिर मैंने इसको सर्व किया चाट मसाले के साथ और पापड़ी के साथ. और ये रेडी है, झटपट झटपट तैयार हो गया है. वेल, इतनी आसान सी रेसिपी, इतनी मज़ेदार सी रेसिपी जो आपको जो है वो फटाफट तैयार मिल जाए इफ्तार में. इसके अलावा और चाहिए क्या होता है? चाहिए क्या? इफ्तारी में स्पेशली समरा इतनी मुश्किल डिशेस बनाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा होता. टाइम भी तो आप देखो ना माहम के, हमारे पास टाइम कितना लैग कर रहा होता है कि हम अगर 4-5 बजे भी अगर बनाना शुरू करते हैं वही नमाज का टाइम गुजरता है सर की. चले वापस एक और कॉल आ गई, देखते हैं कौन है हमारे साथ. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम, मेरा नाम दानिश है. जी दानिश, मेरे ख्याल से शादी के बाद ये अकल आती है. और उसका रीजन आपको क्या बताएंगे? हाँ जी, के रीजन बहुत सारे. कोई कुछ रीजंस जो आपको इस वक्त जहन में आ जाए? फॉर एग्जांपल देखिए,
शादी से पहले जो आप डिसीजन लेते हैं वो थोड़े इमोशनल होते हैं, लेकिन शादी से बाद जो है आप काफी प्रैक्टिकल होके सोचते हैं. ठीक है. और इसी तरह आप की लाइफ काफी ऑर्गेनाइज हो जाती है, जैसे जब वाइफ आती है तो फिर आपको वो सारा सिस्टमैटिक हो जाता होगा सिलसिला. बिल्कुल. Well, why do you think कि ये सब शादी के बाद ही होता है? क्यों शादी से पहले नहीं हो सकता? बड़ी सिस्टमैटिक सी लाइफ, आपकी चीजें चल रही हो, आपकी सारी चीजें बड़ी ऑर्गेनाइज्ड हो, ये सब शादी से पहले भी तो हो सकता है. शादी से पहले भी हो सकता है, अगर आपकी सिस्टर्स हैं तो वो जो हैं वो काफी घर को ऑर्गेनाइज कर देती हैं. सही है. उनसे आप काफी जो है वो सीख जाते हो, क्योंकि लड़के थोड़े से रफ होते हैं ना. Why do you think Danish के always a girl can do that? इसलिए कि लड़के थोड़ा रफ होते हैं, उनकी नेचर में है कि वो ऑर्गेनाइज इतने नहीं होते. लड़कियों की नेचर में है कि वो जरा ज्यादा ऑर्गेनाइज होती हैं. ओके, चलो जवाब बड़ा अच्छा मिल चुका है. जवाब तो दानिश, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. और ऐसे ही बड़े जो है ना समरा रीजंस होने चाहिए जिनके साथ आप बात कर रहे हो, तो बड़ा अच्छा लगता है. नहीं, और जो फैक्ट्स हैं उन चीज को सामने रख कर आप रियलिटी को फेस करें और फिर बताएं कि जी अगर हमें चेंज आया है तो हमें क्यों चेंज आया है. और मेरे ख्याल से जिनका आंसर सबका मेरे ख्याल से यही होगा कि जी हमारी वाइफ की वजह से हमारे अंदर चेंज आता है, क्योंकि वाइफ Hats off to you. Oh yes, all the wives. एक दिन उनके लिए भी हम ये शो रखेंगे, जितनी भी वाइफ्स होंगी सारी मैरिड लड़कियों को बुलाएंगे हम. और प्यारी लड़कियों की बात हो गई, अब अपनी शेफ की तरफ चलते हैं. क्या बन गया है जी हमारी शेफ? तो क्या आप तैयार हैं हमारे पास आने के लिए? जी बिल्कुल. ओके, तो क्या जल्दी से आ जाइए, ब्रेक ले लें. प्रोड्यूसर साहब हम एक ब्रेक ले लें. अच्छा अभी हम ब्रेक नहीं लेंगे. अच्छा, अभी, अभी हम अपनी शेफ को भी बुलाएंगे लेकिन थोड़ी सी देर में. और हम अपनी बातों को भी यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे. वो यही कि मैं जहाँ तक समरा समझती हूँ कि बहुत से लोग इस चीज़ से डिसएग्री भी करेंगे हमारे पास कि अक्ल जो है वो शादी के बाद नहीं आती, पहले भी आती है. जैसे मैं दानिश ने रीजंस दिए कि जो है वो आपको जो है बड़े सिस्टमैटिक तरीके से चलना पड़ता है और आपको बड़ा ऑर्गेनाइज्ड होना पड़ता है, आपकी चीज़ें बड़ी मैनेज करके चले जाएँ तो वो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन वो सब शादी के बाद होता है. नहीं दानिश, बहुत सारे लोग जो है ना वो लड़के ऐसे होते हैं जो ऑफिसेस पे जाते हैं, ऑफिसेस जाते हैं वो अपने 7 बजे की रूटीन सुबह उठने की होती है उनकी, शाम को 5 बजे आकर उन्होंने ये करना है, 6 बजे उन्होंने खाना खा के फ्रेश हो जाना है, 7 बजे 8 बजे उन्होंने वॉक पे भी जाना है, फैमिली को भी टाइम देना है. सो एवरीथिंग इज प्रीटी मच ऑर्गेनाइज्ड. वही बात है कि आपके घर का माहौल भी डिपेंड करता है, माहौल पे भी डिपेंड कि आपके घर में किस तरह से सब रहते हैं, आपको क्या तरबियत मिली है बचपन से, किस तरह से आपने रहना है, तो वो सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं. अगर बचपन से आपको सिखाया गया है कि आपने भले आप लड़के हो तो आपको सिस्टमैटिक तरीके से रहना है, अपनी चीज़ों को हमेशा जगह पे रखना, आने जाने का जो रूटीन है वो आपने तय किया हुआ है अपने पेरेंट्स से, तो ये सारी चीजें हैं. बहुत कम लोग होते हैं ऐसे, तो ओनली 5-10% लोग ही जो है वो इस चीज पे जो एग्री करेंगे हमारे साथ, लेकिन रेस्ट ऑफ द पीपल विल. ओह, कॉल एक और आ गई. अच्छा, ओके, देखते हैं कौन है. हेलो. कोई बात नहीं, चलिए कॉल कट गई. अब हमें आप हमें दोबारा कॉल करके बताइए कि आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में कि शादी से पहले अकल आती है, शादी के बाद अकल आती है. तो अभी तक तो हमें जितनी बातें पता चली वो ये है कि शादी के बाद भी आ सकती है ज़्यादातर, लेकिन शादी से पहले भी कुछ लोगों को अभी तक का रिजल्ट ये रहा है कि 80% पीपल सेज के शादी के बाद आती है एंड ओनली 20% अग्रीड के जो है वो शादी से पहले आती बिल्कुल है. बिल्कुल, क्योंकि उनको समझदार बीवियां मिल जाती हैं. अगेन द पॉइंट कम्स हियर, कॉल आ गई है हमारे पास. अच्छा, ओके, हेलो. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. टीवी का वॉल्यूम आप सबसे पहले बंद कीजिएगा तो हम आपसे बात कर सकेंगे. हेलो जी, कौन बात कर रहे हैं? जी महमूद दुरानी बोल रहा हूँ. महमूद, आप प्लीज अपने टीवी की आवाज बंद कर दीजिए. जी मैंने ऑफ कर दी, प्लीज. बहुत बहुत शुक्रिया. ये बताइए कि आपने हमारा टॉपिक सुना. मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है. अच्छा, ये बताइए कि आपने हमारा टॉपिक सुना है महमूद? जी मैम सुना. अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे टॉपिक के हवाले से? कुछ भी नहीं, आपको तो पता ही है आजकल जो शादी का चल रहा है. नहीं मुझे नहीं पता इस बार. अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? जी शादी के बाद लाइफ इंसान की चेंज काफी रहती है, काफी चेंजिंग्स हो जाती है. चेंजेस आते हैं, लेकिन महमूद वही बात ना कि शादी क्यों ओनली, शादी के बाद अकल क्यों आती? क्या वो पहले नहीं आ सकती? इंसान बैचलर रहता है, उसके बाद वो बिल्कुल अपना
जब अपनी मर्जी जागता है सोता है, हर काम अपनी मर्जी से इंडिपेंडेंटली करता है। नहीं तो कोई बीवी आके फिर आप पे खूंटा थोड़ी गाड़ देती है कि नहीं तुमने मेरे हिसाब से सोना है और जागना है, आप तब भी अपनी मर्जी चला सकते हैं। जी जी नहीं, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं तो उसके बाद मैं उसकी बात की लाइफ बता रहा हूँ कि बच्चों को टाइम देना पड़ता है, फिर स्कूल जाना उन बच्चों ने। ये तो है। वेल, आप मैरिड हैं? Yes, I'm married. Okay. ठीक है, दैट्स द रीजन कि आपके पास हर चीज की इतनी श्योरिटी है और आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ हर चीज कह सकते हैं। वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने ये चीज एक्सपीरियंस की होती है। राइट, चले ठीक है, थैंक यू सो मच महमूद फॉर योर कॉल, थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह हाफिज़। वेल, अभी सारे लड़के कॉल करे, क्या बात है, लड़कियां कहाँ चली गई हैं भाई? वैसे टॉपिक भी तो हमने ऐसे रखा है जिसमें लड़कों का दिल चाह रहा होगा कि हम आके बताएं कि शादी के बाद हमें अकल आई है। अच्छा, तो ये तो इस माहम ये फैक्ट फिर मेरे ख्याल से हम लड़कियों के फेवर में जाता है, खासतौर पर वाइफ्स के, क्योंकि हस्बैंड ये कॉल करके बता रहे हैं कि वाइफ्स ने हमें चेंज किया हमारे लाइफस्टाइल को और अकल हमें आ गई उनसे शादी करने के बाद। सारी बीवियों से जो हमें देख रही है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि हमें कॉल कीजिए, हमें इस चीज में और पावर दीजिए और बताइए कि वाकई ऐसा आप लोग कैसे चेंज कर लेती हैं। बहुत एक गाना भी इस पे बड़ा मजेदार सा है, लड़की क्यों न जाने क्यों लड़कों सी नहीं होती। So there are so many reasons के लड़कियां लड़कों जैसी नहीं होती। वाओ, समरा हमारे पास मस्कत से कॉल आई है। उफ अल्लाह, कैसे हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो जी, जी आपको आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज बहुत कम है। मैं इमरान अजीज मस्कत मस्कत से बात कर रहा हूँ। जी जी इमरान, आपने टॉपिक सुना हमारा? जी जी बिल्कुल सुना, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक। जी जी हेलो। हाँ जी बताइए, हम सुन रहे हैं। मेरे ख्याल के मुताबिक यानी अक्सर लड़कों को मतलब शादी के बाद अकल मतलब इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि वो दो ज़हनी मतलब एक होकर मतलब आगे जाते हैं इसी वजह से। ठीक है ठीक है। आपकी शादी हो गई इमरान? जी मतलब मेरे एक मर्तबा हुआ है लेकिन मैंने तलाक दे दी क्योंकि जी जी क्योंकि मतलब अक्सर लड़कियां ऐसी होती हैं कि मतलब वो कहते हैं कि हमारी मतलब ज्यादा हो जाए लेकिन लड़कों की मतलब हकीकतें कम हो जाए। अच्छा। और मतलब हमारी मर्जी के मतलब जो हो हमारी मर्जी हो जाए क्योंकि जब अगर जाते हो दोस्तों के साथ यहाँ मतलब हर वक्त पूछते हैं किधर जाते हो क्यों इस तरीके से ये हो प्लान, इसी वजह से तंग आते हुए जी जी मैंने ये कदम बताया। मतलब लड़कियों को मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए ना? नहीं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल हम अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी बात से जो समझ आता है वो ये भी है कि इंसान को शादी के बाद बहुत ज्यादा अकल आती है। तो इमरान बहुत 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 शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपने इतनी दूर से हमें कॉल किया, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये एक चीज़ होती है, लोग कुछ होते हैं कि शादी के बाद नेगेटिव भी ले लेते हैं कि वाई वी चेंज आर सेल्स के कोई एक लड़की की वजह से उसके तरीके पे हम ढल जाएं कुछ। well, तो दोनों को बैलेंस मेरे ख्याल से रहना चाहिए बिकॉज लड़की भी तो आती है ना सब कुछ छोड़ छाड़ के। मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बात ऐड करूंगी कि इमरान आपसे भी मैं यही कहूंगी कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। ठीक है, अगर कभी जिंदगी में कोई बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि आपकी जिंदगी पूरी खराब हो गई है या वो सिर्फ उसी एक एक्सपीरियंस पे पूरी जिंदगी जो है डिपेंड करती है। कोई बात नहीं, हम यहाँ पर अपना टॉपिक और मूड भी चेंज करेंगे लेकिन थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, यहाँ पर हमारे साथ रहिएगा। विल बी राइट बैक ऑन गर्ल पावर।